कितनी आपने ये सारे कितनी जगह से आलू निकाले? मैंने बहुत सारे निकाले अभी आज सुबह से। हाँ सुबह से। तो थकी नहीं आप? नहीं, नहीं बस आधी हो गया। आधी हो गए। हाँ। अच्छा अच्छा मुझे बताएं तो यहाँ से आलू निकाल के आप फिर क्या उनको स्टोर कर रहे होते हैं? हाँ, स्टोर किधर स्टोर करते हैं? घर में। घर में। मैं फाइनली उस गांव में पहुंच गई हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी कि आई एम गोना कम अप टू दैट विलेज एंड गोना शो यू दैट गांव। अच्छा बेसिकली इससे पहले मैं आपको लेकर गई थी सिल्क रूट पे और उसका आपको बताया भी कि जो सिल्क रूट एंटर हो रहा है जिस गांव में, मैं उसी गांव में मौजूद हूँ एंड दैट इज़ एक्चुअली खैबर विलेज। और यहाँ पर आने का पर्पज हुंजा की जितनी भी खूबसूरत जगह, मैक्सिमम जितनी भी हम कवर अप कर सकें आपको वो दिखाऊँ और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर आपको गाँव की ज़िंदगी दिखाई जाए कि यहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं। अच्छा जब ऑफ सीजन हो जाता है जो हमारे लोकल टूरिस्ट हैं उनके लिए, तो यानी यहाँ पे जब विंटर हो जाता है बेसिकली, जैसे अभी ऑटम है तो उसके बाद अब सर्दियाँ आने वाली हैं और बर्फबारी चूँकि शुरू हो चुकी है तो अभी मज़ीद जो है बर्फबारी होने वाली है, तो उन दिनों में वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, चूँकि तब उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है खाने पीने के हवाले से, बिकॉज़ यहाँ पर पूरे साल में सिर्फ एक फसल उगती है, या तो गंदम या आलू। तो होता क्या है कि चूंकि अब इसके बाद सर्दियां आ जानी है तो कोई फसल नहीं उगेगी, तो जो अभी फसल उगी हुई है आलू की, अभी ये लोग इसको स्टोर कर लेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे अपने, जो अभी ऑफ सीज़न आ जाएगा उसमें अपने पर्पज़ के लिए भी, अपने खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ इसको सेल आउट भी करेंगे। तो अभी मैं आपको वहाँ जा कर दिखाऊँगी कि किस तरह से आलू जो है वो निकालते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी विलेज लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर। अच्छा सर मुझे बताएं यहाँ से निकल गए आलू अभी के? जी हाँ, इसमें से अभी आलू देखें, आप देख रहे हैं ना? हाँ जी, कुछ तो नजर आ रहे हैं। ये यहाँ से आलू उन्होंने निकाल लें और अब ये ले जाकर स्टोर करेंगे, कुछ जो है वो फरोख्त करेंगे मार्केट के अंदर। अभी वो ले जाकर हम स्टोर कर रहे हैं। अच्छा सही है। तो ये फिर जो सर्दियों में जो है जाके मार्च तक ये हमारे लिए खाने के काम आ जाएगा। अच्छा सही होगी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे अभी आलू निकाल रहे हैं जमीन से, तो वो उसको आप जरा देख लें कि किस तरह से निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा सही है। तो आप देखें इसको, एक छोटा सा वो बना हुआ है उसके अंदर जो है ना वो आलू है। अच्छा। और अब देखें यहाँ पे जो है ये आलू निकाल, ये बंदा जो है निकाल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो, बनी हुई है पगडंडियां से बनी हुई है? पगडंडियां से बनी हुई है और उसके अंदर जो है ना वो यहाँ से जो है आलू लगे हुए निकाल रहे हैं। लाइन जी आलू निकाले, आप अलग रे मिल जाएं सही आलू मुझे। मैं निकालती रहूं। निकला भाई, निकला देखे। निकले आलू, निकले। अच्छा इसको इस तरह से निकालते रहेंगे और पीछे से फिर लोग आके चुनते रहेंगे? जी जी बिल्कुल, वो एक अलग से प्रोसेस है। वो अलग से प्रोसेस है, इसको अभी इस तरह से आप निकालते जाएंगे तो पीछे से फिर लोग जो है ना उसको चुन लेंगे। अच्छा ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मुझे माइक दे दें। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि ये आपने वैसे कितना कर लिया? मेरे से तो थोड़ा सा हुआ था तो मैं थक गई थी। कितनी आपने ये सारे कितनी जगह से आलू निकाले? मैंने बहुत सारे निकाले। अभी आज सुबह से? हाँ सुबह से। तो थकी नहीं आप? नहीं, नहीं बस आधी हो गए। आधी हो गए। हाँ। अच्छा अच्छा मुझे बताएं तो यहाँ से आलू निकाल के आप फिर क्या उनको स्टोर कर रहे होते हैं? हाँ, स्टोर। किधर स्टोर करते हैं? घर में। घर में। अच्छा कोई स्पेसिफिक उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है स्टोर करने? हाँ। की क्या क्या करते हैं उसमें? वो बोरी में भर देते हैं, उधर हीटर रखते हैं। हीटर रखते हैं? हाँ, गर्म जगह रखते हैं। अच्छा सही है। तो मुझे बताएं कि घर में आलू की कौन कौन सी आप जो है उसे कौन कौन सी डिशेज बनाती है? आलू पुलाव। आलू पुलाव। अच्छा मजे का होता है वो? चिकन के साथ। चिकन के साथ आलू चिकन? हाँ
चिप्स बनाते हैं, पकौड़ा समोसा बनाते हैं जी, हमारे वाली सारी डिशेस, आलू पराठा बनाते हैं, आलू पराठा। अच्छा, ये सारे डिशेस जो ना, ये सारे जो आलू का पराठा भी है, वैसे पंजाब में भी आलू से यही सारी बनती है। बेहतरीन है। यहाँ पे तो शी इज वर्किंग, आलू निकाल रही है। पीछे मुझे कुछ एक वहाँ पे देख सकते हैं खातून, वो भी काम कर रही है, और वो जो है वो आलू जो है बोरियों में बंद कर रही है। तो अभी चल के उनसे भी बात करते हैं और आपको जो वो वाला प्रोसेस है वो भी दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे आलू जो है वो बोरियों में बंद कर रहे हैं, तो वो मैं आपको जगह दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से आलू की पैकेजिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बताइएगा पूरा, ये सबको बल्कि इनफैक्ट बताइएगा कि ये क्या हो रहा है। पैक हो रहा है खाने के लिए। अच्छा, खाने के लिए। सो बेसिकली ये पैकेजिंग का प्रोसेस है। इसका पहला स्टेप ये होता है कि पहले आलू जो है उनको बोया जाता है, जो छोटे आलू जो है उनको तो एज इट इज जो है बो दिया जाता है, लेकिन अगर ऐसे बड़े साइज में आलू होते हैं तो उनको काटा जाता है। और इसकी यहाँ पे जिस तरह से आंख बनी हुई है ना, काट के इसको फिर इस आंख से आलू उगता है। सो बेसिकली आलू से ही, हाँ जी, काट के फिर इसको इस तरह से उगाया जाता है। और इसका सेकंड स्टेप होता है कि वो जो है इसका खुदाल, जिस तरह से आपने पीछे देखा, मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की, खुदाल से इसकी खुदाई की जाती है। तीसरा स्टेप होता है, वहाँ से आलू कलेक्ट करके यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे लाए जाते हैं और फिर यहाँ पे बोरियों में इसको भरा जाता है। अच्छा, वो जो आलू हैं उनको अलग से किया हुआ पैक, इनको अलग से करें पैक इसको मार्केट के लिए। अच्छा, वो पैकिंग अलग है क्योंकि उसको मार्केट के लिए, और ये घर के इस्तेमाल, ये घर के। अच्छा जी, सही हो गया। ठीक है, ये खाने के लिए हैं आलू, और वो जो हैं मार्केट के इस्तेमाल के लिए, उनकी पैकिंग भी थोड़ी डिफरेंट सी है और बल्कि बड़ी अच्छी सी पैकिंग की हुई है। सो दिस इज़ द पैकेजिंग प्रोसेस। अच्छा, आलूओं के जो स्टोरेज का प्रोसेस है वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे एक बड़ी खूबसूरत जगह नज़र आई है। वैसे तो पूरे का पूरा हंजा बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर पे ये गांव बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका स्पेसिफिक एरिया जो कि इस वक्त मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ चलूँगी और वहीं चल के मैं आपको वो खूबसूरत सी जगह दिखाऊँगी। वो जगह जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, एंड दिस इज हुंजा। ये है पाकिस्तान की खूबसूरती विच यू गाइस कुड सी। और हुंजा का जो ऑटम का मौसम है, ख़ास तौर पे ये वो मौसम है जिसमें कह लें कि पूरे का पूरा हुंजा जो है निखर के अपनी बेहतरीन शक्ल में निकल आता है। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑन अर्थ, दैट्स व्हाट आई फील, कि आपको ऑटम में पूरे का पूरा हुंजा इतने खूबसूरत रंगों में नज़र आता है, जिसमें येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, और इस तरह का जो आपको कह लें एक पूरा मौसम है और इस तरह की खूबसूरती है, आई बेट यू आपको दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलेगी। एंड आई जस्ट मस्ट से टू ऑल ऑफ यू गाइज कि दिस इज़ द राइट टाइम टू कम एंड विजिट हुंजा।